अस्सलाम वालेकुम बरकात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आ गई हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ और आज की इफ्तारी। तो जी आज इफ्तारी में हम लोग बस थोड़ी सी चीज़ें बना रहे हैं और आज हम लोग बना रहे हैं ये मतलब इसके ना समोसे बनाएंगे लेकिन दूसरे टाइम के, जिसमें मैं डाल रही हूँ चीज़ मोज़रेला चीज़ है और इसमें एक पनीर चीज़ टाइप की होती है, दोनों पनीर कहते हैं क्या कहना चाहिए इसको, जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती है। और इसके ऊपर मैंने मकदूनस यानी पार्सले डाला है और इनको बस मिक्स करके इसके अंदर मैं फिल करके इसको बस बंद कर दूंगी, जैसे कि एक डम्पलिंग्स की तरह शेप देनी होती है ना, उस टाइप की मैं बना रही हूँ। और दूसरा ये कि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट और बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, ना नमक ना काली मिर्च ना कुछ, बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर फिल करके हम इसके अच्छी अच्छी शेप दे देते हैं। तो ये प्यारे प्यारे से मैंने पफ पेस्ट्रियाँ या समोसे बना लिए हैं, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, और इनको अच्छे से हम फ्राई कर रहे हैं और इनके प्यारे प्यारे फ्राई हो रहे हैं। देखिए कितने मज़ेदार उसमें चीज़ी चीज़ी फ्लेवर आएगा अभी, आप देखें माशाल्लाह। तो देखिए कितने मज़ेदार बन गए। अभी बस इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया है, अभी हम इफ्तारी करेंगे और फिर आप जी इफ्तारी का टाइम हो गया और हमारी सहरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम इफ्तारी करेंगे एंड देन फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। वालेकुम सलाम, मैंने सलाम कर दिया है सबको वैसे भी। नहीं नहीं हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने मैकडॉनल्ड, मैकडॉनल्ड में ऑफ़र लगी हुई होती है लाजिम, ताकि मैं फिर मारती हूँ तुम्हें। हाँ फिर अब मैं मार के इनको बताऊँगी कि मारना क्या होता है। चलो अभी अपनी कॉफ़ी पीने जाएंगे हम मैकडॉनल्ड और दिखाएंगे कि कौन सी हम पीते हैं। मैकडॉनल्ड आ गया और मैकडॉनल्ड का ये कैफे देखे हैं, कॉफ़ी कैफे, और कॉफ़ी बन रही ये है। अभी हम अपना भी ऑर्डर करवाएंगे, अभी ऑर्डर छोड़ रही है और यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स लाइक बर्गर वर्गर और सब कुछ मिलता है, मील भी बराबर में इनने कैफे बनाया हुआ है। हम बारकोड पे लेंगे ना, तो इसलिए मैं बारकोड लेंगे। अगेन डन जी, हमने करवा दिया है बारकोड और अब हमारी कॉफी रेडी हो रही है, रसीदें आ रही हैं, कॉफी बनेगी अपनी। पीस बना के दे रहा था, फिर हमने कहा कि आप कोई डेकोरेट करो, इसने ये डेकोरेट किया हमारे लिए और ही ट्राई हिज बेस्ट। वही को ट्राई कर रहा है। थैंक यू। तो जी फाइनली हमने अपनी कॉफ़ी ले ली, मैंने मोका ऑर्डर की थी, सबने मोका ऑर्डर की थी, सिर्फ एक लड़की ने ही हमारी सिस्टर ने कैपेचिनो की थी, और अब हम जाएंगे एंजॉय करेंगे और मिलते हैं। तो जी अब हम आ गए हैं घर और घर में बैठ के पीएंगे अपनी कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। अरे वादा बन गया। तो जी हम सब कॉफ़ी और बकलावा एंजॉय करेंगे। बकलावा कल मेहमान आए थे तो वो लोग लेकर आए थे, बहुत टेस्टी और मज़ेदार है और बकलावा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा ये कि मैं कॉफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं पीती, पर मेरे भाई ने कहा कि आज पीते हैं कॉफ़ी और मैंने कहा चलो आज कुछ ट्राई करते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैं मौका लाइक कॉफ़ी पी रही हूँ, वैसे मुझे कॉफ़ी का इतना नाम नहीं पता, ना ही मुझे इतनी कॉफ़ी पसंद है, मैं चाय लवर हूँ, बट हाँ मौका मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत टेस्टी भी है और इतनी ज़्यादा गर्म भी नहीं थी, वरना कॉफ़ी अक्सर बहुत ज़्यादा गर्म
होते हुए पी भी नहीं जाते, हाथ हमेशा जल जाता है। तो बस अभी हम ये इंजॉय करते हैं जी। मैं आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सब मेरी मम्मा के लिए दुआ करें, उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको सेहत दे और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, मे बी ब्लॉग कल ना आए, और ख्याल रखिएगा सब अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।